तो गाइस कैंटीन से सारा ग्रोसरीज आ गया है। नागा धनिया, काटा धनिया, पता नहीं क्या क्या धनिया कहते हैं। वाह। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। मंडे को किया था और ट्यूसडे को भी कंटिन्यू। मैंने सोचा है कि अब मैं रोज़ ब्लॉग मतलब डेली ब्लॉगिंग करूँगी, डेली ब्लॉग डालूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सडनली वेडनेसडे मॉर्निंग से मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया। उस दिन बहुत मतलब बीपी लो हो गया था, जिस वजह से बहुत चक्कर आ रही थी मुझे। उसके बाद फीवर हो गया, अभी मतलब कभी धूप कभी बारिश ना, तो इस वजह से वायरल फीवर हो गया था मुझे। तो कल भी मैं ठीक ही थी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर वीडियो में एक तो क्लिप मतलब वीडियो भी की, पर अचानक से ना फिर इतना बुखार हो गया तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो आज है मंडे, तो फिर स्टार्टिंग आज से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और कल तो पूरा दिन मैं कुछ की नहीं, सारा काम मेरे हस्बैंड की, जो भी था खाना वगैरह सब कुछ। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली हूँ और अब जा रही हूँ वही घर का साफ सफाई करने, क्योंकि कुछ अच्छे से हुआ नहीं 2-3 दिनों से। और बहुत आज गर्मी भी है, धूप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो कपड़ा वगैरह भी धोना है मुझे। तो वही जो मेरा रोज का काम है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फिर से देख सकते हो गाइस, मैं अपने विंडो से दिखा रही हूँ आप लोगों को, इतना धूप है, मतलब क्या ही कहूँ, बहुत धूप है, आज बहुत गर्मी है। गाइस झाड़ू पोछा सब कर लिया, कपड़ा भी धो ही लिया, बस पिलो कवर वगैरह धोना था और ये एप्रोन भी धोना था, मैं भूल गई इसको धोना, तो अभी रख दूंगी धोने के, जब नहाऊंगी तब। और बहुत गर्मी है, पसीना से देख ही रहोगे मेरा हालत, बिंदी भी गायब हो जाता है। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने, तो खाना मैं बहुत सिंपल आज बनाने जा रही हूँ मैं, दाल चावल और आलू का चोखा पापड़, बस यही सब बना लेती हूँ। तो ये 2 आलू डाल रही हूँ मैं चोखा के लिए, 2 आलू में हो जाएगा। लाइट तो है नहीं, गैस पे ही चढ़ा देती हूँ। ये दाल हो गया गाइस, और अभी मैं जा रही हूँ ये धनिया पत्ता तोड़ने। धनिया बाजार से लेकर आए थे, उसमें जड़ था ना तो मैंने लगा दिया, तो उग गया है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। धूप देखो, धूप बहुत गर्म है आज। ये भी सूख गया, ये देखिए, इसको कहते हैं यहाँ नागा धनिया, काटा धनिया, पता नहीं क्या क्या धनिया कहते हैं। वाह, ये तो खड़ी गया। पानी डालना होगा शाम को, सब धूप से हालत खराब है। चटनी बनाऊंगी इसकी, अभी चटनी बनाऊंगी मैं, चटनी। देखिएगा इस पूरे ही तोड़ लिया, इतना ही मिला। अब पहले दाल छोक लेती हूँ मैं। तो गाइस यहाँ मैंने दाल छोक ली, अब इसमें जा रही हूँ मैं बनाने आलू का चोखा। तेल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और प्याज डालूंगी बस। आलू यहाँ रेडी है, आलू में मैंने नमक मिक्स करके अच्छे से छोटे छोटे कर लिए हैं। अब यहाँ मिर्ची अच्छे से लाल हो जाए, इसके बाद डालूंगी प्याज और साथ में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, बस हो गया। डाल चुकी हूँ मैं इसमें आलू, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गाइस बन के रेडी है मेरा आलू का चोखा,
अब चटनी बनाऊंगी। और इधर दाल रेडी है मेरा, और यहाँ चावल भी बन गया है। अब जाऊंगी चटनी बनाने। टमाटर और इसका सोची थी मिक्सी में पीस के बनाऊंगी, पर लाइट ही नहीं है तो कुछ उपाय लगाती हूँ अभी मैं। टमाटर को उबाल करके बनाऊंगी चटनी। ये जो धनिया होता है ना, इसका चटनी बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैंने लहसुन, लाल मिर्च और वो धनिया को रख के कूट लिया है मेलन से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर, मैं ना भूल ही गई, अब इसको भी ऐसे कूच लूँगी। मैंने इसमें रखा है लहसुन और वो धनिया, उसके बाद से लाल मिर्च, और अब ये थोड़ा सा प्याज जाएगा और नमक। बस रही है मेरा चटनी, तीखी चटनी। ये देखिए गाइस, मेरा चटनी बनके तैयार है। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ अभी, और पिलो वगैरह धूप में रख दिया था तो उसको लेकर आई हूँ, रख दी हूँ अभी। उसमें कवर वगैरह लगाऊंगी, तो इधर सब है तो मैं कवर वर लगा लेती हूँ और साथ में ये भी खा लेती हूँ। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे अपना लंच करने, तो आज का लंच मेरा यही था। तो अभी मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई हूँ गाइस, और सही बताऊँ तो सच में बहुत सर दर्द हो रहा है, इतना गर्म है ना मत ही पूछो। 2 घंटा पकड़ पकड़ करके 2 घंटे में हालत ख़राब हो गया। तो अभी बस ऐसे ही बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर कपड़ा वगैरह उठाना है, बर्तन धोना है, घर में झाड़ू लगाना है, बहुत काम है। और अभी टाइम हो गया है 5:20, तो टाइम भी नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी करना होगा काम। एटलीस्ट झाड़ू पहले मार लूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। और ये कैंटीन गए थे, कैंटीन से सामान वगैरह आया है बहुत सारा नहीं, जो भी ज़रूरत का सामान था वही, तो दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर उसको सेट करना है। चलिए मैं आप लोगों को वो सारा सामान दिखाती हूँ। तो ये है वो सारा सामान जो आ गया था, और सब बिस्तर पे रख के वो चले गए थे। और ज़्यादा जो सामान लाने को कहा था वो तो लाई है, और साथ ही में ये इतना सारा चॉकलेट बिस्किट, साथ ही में ये पॉपकॉर्न वगैरह क्या क्या सब उठा ले आए, तो वही सब था। और यह मेरा फेवरेट ओरियो, और ये सेवई का पैकेट भी आया था, और एक गुलाब जामुन का पैकेट भी आया जो मैं बनाऊँगी। और अब मैं जा रही थी बाहर जबड़ा जलाने। तो यहाँ कुछ जबड़ा था गाइस, उसको जला रही हूँ मैं, तो गंदा हो गया है। अब जा रही हूँ बर्तन धोने। तो गाइस अभी मेरा पूजा हो गया है, मैं पूजा कर ली हूँ, पसीना देख ही सकते हो आप, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। और काम वगैरह हो गया, और जो कैंटीन से सामान आया था ना जो भी, वो सब मैंने जगह पे रख दिया है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो वही। और बाकी का अब कपड़ा ठीक करना है, तो वो अब जाऊंगी थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर कपड़ा ठीक करती हूँ। इतना गर्म है कि क्या ही कहूँ। गाइस मुझे डिनर भी बनाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए उनके दोस्त के साथ कहीं बाहर खाने, तो वहीं से खा करके आएंगे, और दिन का कुछ खाना है और तो वो देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी, खुद के लिए कुछ भी कर लूँगी। और अभी अकेले के लिए खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं कब से बैठ के बस यूट्यूब में अलग लोगों का, मतलब यूट्यूबर है बड़े बड़े, उन सब का ब्लॉग देख रही थी। तो अब सोचा कुछ कर लेती हूँ, बहुत बोरिंग लग रहा है, ऐसे भी टाइम हो गया है 8:30 समथिंग, तो गर्मी भी है, तो कुछ कपड़ा है जिसको आयरन करना था, तो बस मैं बैठ के वही आयरन कर लेती हूँ। इसको बहुत सिंपल तरीके से आयरन किया, हो गया। और अब ये मेरा सूट, इसको हल्का फुल्का सा कर लूँगी, क्योंकि बिना आयरन के पहनूँ ना तो बहुत गंदा दिखता है, बहुत ही गंदा। तो बस इसको हो गया, कर ली मैं फोल्ड, पसीना पोछ लूँ। गर्मी से हालत ख़राब है गाइस, तो हो गया है मेरा
आयरन वाला काम। और अब देखती हूँ, भूख तो बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर भी कुछ तो खाऊंगी क्योंकि ना आजकल इतना भूख नहीं लग रहा जब से ये तबीयत खराब हुआ है, और खाना ढंग से खा नहीं पा रही मैं। एक इतना ज़्यादा खाती थी पहुँचाना, अब खा रही एकदम कम कम। तो देखती हूँ क्या करूँ, फिलहाल तो ये काम हो गया तो इसको मैं अपने जगह पे रख देती हूँ। मेरे पति देव आ गए और वो मेरे लिए लेके आए ये रोस्टेड चिकन जो अभी मैं खाऊंगी। गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कुछ भी लगा हो वीडियो में तो। और सबको गुड नाइट, बाय।